नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत के न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके निमित्त पूरे देश भर में युवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को आजादी के मूल उद्देश्य जोड़ना, युवाओं को संकल्प यात्रा के जरिए स्वच्छता का युवाओं को संकल्प दिलाना, युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना मूल उद्देश्यों को लेकर बीजेपी युवा संकल्प यात्रा निकाल रही है। बीजेपी युवा मोर्चा की संकल्प यात्रा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। संकल्प यात्रा का नेतृत्व कर रहे वैभव पवार भी बिना मास्क के नजर आए। वहीं कोरोना गाइडलाइन को लेकर पवार से बात की, वैभव पवार जेब से मास्क निकालकर कोरोना गाइडलाइन की बात करने लगे और युवाओं को कोरोना गाइडलाइन के संकल्प दिलाने की बात कही। लेकिन यह यात्रा में युवाओं ने कोरोना गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर धज्जियां उड़ाई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसके निमित्त पूरा देश भर में हम लोग ऐसी युवा संकल्प यात्राएं निकाल रहे हैं, जिनका मूल उद्देश्य युवाओं को आज़ादी के मूल्य से जोड़ना है, युवाओं को स्वच्छता का संकल्प दिलाना है, युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इन मूल उद्देश्यों को लेकर, भारत की विकास गाथा से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के विकास के नए आयामों को युवा जान सके, नए भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर हम लोग पूरे देश भर में युवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी इसी तारतम्य में ये यात्रा की जा रही है। मास्क लगाने का संकल्प है ना भाई? जब ये देखिए, एक मिनट सामने देखिए, ये एक भी यहाँ पर कोई भी मास्क बिना लगाए यहाँ नजर आ रहा है पूरा कैमरा। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल का प्रयोग कार्यक्रम में हुआ है और अभी भी हो रहा है। आप भी के यहाँ पे जो राष्ट्रीय युवा साथी है, करवाएंगे हम युवाओं से देश को आगे बढ़ाने का, देश में अच्छे नागरिक बनने का ऐसे सारे संकल्प कराएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।